मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लैमिंगो बुक का सेकेंड फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। एज यू नो गाइस दैट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट एंड आई हैव सेंट आई हैव आल्सो अपलोडेड इट। इफ़ यू वॉन्ट टू दैट फर्स्ट पार्ट यू आई विल ऑल्सो जस्ट सेंड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड जस्ट डाउनलोड माई वीडियो एंड जस्ट वॉच दैट। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपका सेकेंड पार्ट इसके रेड टेप का। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही उसने, जो बूढ़ा आदमी था, उसके पॉच में जो पैसे 30 कोरोनर रखे हुए थे, उसने 30 कोरोनर निकाले और अपने पॉकेट में रख के वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से निकला तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो ये सोच रहा था मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने कितने स्मार्ट तरीके से उनके पैसे अपने निकाल लिए और वो अपने एक रास्ते को जा रहा है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक ऑफ कोर्स। अचानक मतलब उसने सोचा कि यार ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं पब्लिक रोड से जाऊँ। उसने सोचा मुझे पब्लिक रोड से जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि पब्लिक रोड से जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसने क्या किया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। उसने जो रोड पे चल रहा था उस रोड को टर्न कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। टर्न ऑफ का मतलब होता है उस रोड को छोड़कर कहीं और जाने का उसका मूड बना। इन टू द वुड्स, वो कहाँ गया, वुड्स यानी कि जंगल के अंदर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी कि एक घंटा जो चलता रहा उसको कोई भी परेशानी कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन उसके बाद जो दिन था बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक हो गया था। ठीक है, फॉर इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। जो जिस फॉरेस्ट में गए थे वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और बहुत कन्फ्यूजिंग टाइप का था, पजल टाइप का। ठीक है, विच ही हैड गॉटन इनटू, और जिसमें ये जा चुके थे। ही ट्राइड, इन्होंने कोशिश की टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उन्होंने सोचा कि हम एक ही डायरेक्शन में सीधे चले आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे। द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो जिस तरह से जो स्ट्रेट जाते हैं, लेकिन जो रास्ते दो पार्ट में बढ़ जाता है और फिर उसके बाद वो ऐसे ही होता है, फिर तो दो पार्ट में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद आगे चलकर फिर वैसे ही कंडीशन आ जाती है, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया, जब मतलब उसका एंड आ ही नहीं रहा था, फिर भी वो चला जा रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिर में उसको रियलाइज़ हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और आखिर में उसे रियलाइज़ हुआ, अरे मैं तो बिल्कुल फॉरेस्ट में उसी पार्ट में वापस बार बार आ जा रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, अचानक उसको एक अपना थॉट याद आया। वो क्या खाली समय में क्या सोचता था, ये सोचता था ये दुनिया एक जाल है, जिस तरह से मैं जो जाल बेचता था, रेड टेप बेचता था, उसी तरह का ये जाल है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसका टर्न आ चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट। अब इनको जो एक चारा, बेट मीस होता है चारा, ठीक है, तो ये बेट है, बेट का मतलब होता है चारा, उसको एक चारा दिया गया था बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई अब वो बेवकूफ़ बन गया और वो उस चारे के छांसे में आकर वो उसने चारा उठाया। अब चारा क्या था यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे बेट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी बेट, तो बेट होगा, बेट है इसमें मनी, जो उस ओल्ड आदमी यानी कि ओल्ड जो बूढ़ा आदमी था उसके, उन्होंने पॉच से जो 30 कोरोनर निकाले थे वो थे उनके, क्या थे उनका, चारा था, कोरोनर यानी कि मनी, इंडिया की जो जैसे मनी होती है रुपीज़, इसी तरह से वहाँ पर कोरोनर चलते हैं। चलिए, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, ठीक है, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेंस एंड फॉलन लॉक्स। पूरा जंगल, जो जंगल में सारी चीज़ें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, थिकेंस होते हैं, फॉलन लॉक्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, उसको वो चारों तरफ से ढके हुए थे और इतना मतलब इस तरह से ढके हुए थे कि जिस तरह से किसी कैदी को जेल में रखा जाता है, और वहाँ से निकल पाना ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है, इम्पेनेट्रेबल का मतलब यहाँ होता है इम्पॉसिबल, जहाँ से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो ये सोचने लगा कि अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। आगे चलते हैं। इट वॉज लेट इन डिसम्बर,
ठीक है, दिसंबर का मतलब लेट दिसंबर, यानी कि आप ये सोच लीजिए 25 दिसंबर शायद कुछ होगा, या इसके मिड पे या 30 होगा या 29, ऐसे कुछ हो सकता है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट था उस पर डार्कनेस और आता जा रहा था, रात हो रही थी तो डार्कनेस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये कई खतरनाक चीज़ों को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब डार्कनेस होता है तो बड़े वैसे जो जैसे जानवर वगैरह होते हैं, जो जहरीले कीड़े भी होते हैं, वो उनको वहाँ पर आगमन शुरू हो जाता है। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, उसका गम, ग्लूम मतलब उदासी, एंड डिसअपियर निराश, यानी कि वो उसका निराश और उदासी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर में उसने देखा कोई रास्ता नहीं है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो सोचने लगा कि आज मुझे यहीं पर इसी ग्राउंड में दफन हो जाना है। ट्राइड टू डेथ, ठीक है, अब मतलब इसकी मौत करीब आ ही गई, उसने सोचा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोचता है कि उसका जो आखिरी मोमेंट है वो आ ही गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो उसने अपना सिर को मतलब ज़मीन पर वो लेट गया, अपने सिर के बल, ही हर्ड अ साउंड, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक मतलब किसी चीज़ के पटकने की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, दोज आर द हैमर स्टोकर्स फ्रॉम एन आयरन मिल, उसने वो एक कौन थे, हैमर स्टोकर्स थे, जो कि आयरन मिल से आवाज़ आ रही थी। इसमें लेखक ये भी बताना चाह रही हैं कि जब ये कहानी लिखी जा रही थी तब आयरन मिल नहीं थी, लेकिन जब ये कहानी में जो कैरेक्टर है उसके समय थी, जब ये कहानी लिखी गई तब आयरन मिल नहीं थी, लेकिन जो ये कहानी चल रही है इसमें जो कैरेक्टर है उस में जो जंगल है, जंगल के से जो आवाज़ें आ रही थी वो एक्चुअल में थी, ठीक है। लेखिका के जब इन्होंने कहानी लिखी होगी तब ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मील सारी ख़त्म हो चुकी थी, आयरन मील ही थोड़े। उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उन्होंने सोचा जो रेड ट्रिप था उसने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कोई लोग करीब करीब में कुछ लोग वगैरह हों। ही समाउंड मतलब इकट्ठा करना, ही समाउंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी साउंड के को सुनकर वो भागने लगा उसी की ओर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है द रामस जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। अब इसमें जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले बता दिया था कि जो लेखिका बताना चाह रही हैं, जो इस समय जब ये कहानी लिख रही हैं इसको, उस समय बंद हो चुका था। नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि नॉट सो लॉन्ग एगो, पहले नहीं, जब इन्होंने कहानी लिखी तब बंद हो गया था, पहले नहीं हुआ था। अ लार्ज प्लांट, एक लार्ज प्लांट था विद अ स्मेल्टर रोलिंग, ठीक है, मिल एंड फॉर्ज, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बर्जेस एंड स्काउट्स स्लाइड। सो जैसे कि इसमें बताया था मैंने आपको, जो आप यहाँ पर जो रामस जो आयरन वर्क्स है, ये एक पहले जो लेखिका जो कहानी लिख रही है उसके समय नहीं था, ठीक है, ये बहुत पहले हुआ करता था, यानी कि जब ये इनके पास ये कहानी आई है या किसी तरीके से उन्होंने इस कहानी को लिखा, पहले बहुत समय हुआ करता था, तब ये आयरन वर्क का काम हुआ करता था। अब यहाँ बता रहे अ लार्ज प्लांट, वहाँ पर एक लार्ज प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा नहीं, एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर एक मशीन होती है जिससे लोहे को पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल होती है वहाँ पर, एंड फॉर्ज एक छोटी सी भट्टी होती है जिसमें लोहे को निकाल कर, ठीक है, उसको गरम मतलब कच्चे लोहे को निकाल कर गरम गरम किया जाता है, एक फॉर्ज, ये सारी मशीन कुछ स्मेल्टर मशीन है, रोलिंग मिल एक ये भी मशीन है, फॉर्ज को भी हम मशीन बोलेंगे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बर्जेस एंड स्कोव्स स्लिड डाउन टू द कैनल। अब जब समर टाइम में क्या हुआ करता था, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो लोहे के जो बर्जेस होते थे, बर्जेस यानी कि उनके जो लोहे के टुकड़े हो गए और उसके जो स्काउस हो गए, स्काउस एक छोटी मतलब कुछ नाव होती हैं, ठीक है, जिसमें भारी भरकम लोहा रख के कैनल यानी कि कैनल एक नदी या कोई झरना, छोटा सा पॉन्ड वगैरह बोल सकते हैं, कैनल बोल सकते हैं, जानते हो आप सारे लोग, कैनल पर
नाव होती है और नाव के ऊपर भारी भरकम ठीक है लोहे को रखकर ठीक है लोहे को रखकर उससे वहाँ उनको बड़े बड़े छोटी छोटी कंट्रीज और बड़े बड़े शहरों में उनको भेजा जाता था विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक ठीक है एंड इन द विंटर टाइम। अब ये क्या था यहाँ पर क्या होता है विंटर के टाइम क्या होता था देखो गर्मी के टाइम तो जब पानी होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा पानी होगा तो फिर पानी जम जाएगा विंटर के टाइम ठीक है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल रहता है ठीक है। इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो विंटर के टाइम क्या होता था जो नाव वगैरह होती थी वो कैसे जाती थी वो क्या करती थी वो चारकोल को ट्रक में भरकर नाव तो जाती नहीं थी तो कुछ गाड़ी में उसको भरकर लोड किया जाता था और लोड करने के बाद आपने देखा होगा जब ट्रक में कोयला होता है तो वो क्या होता है धीरे धीरे गिरता रहता है हल्का हल्का उसकी जो पाउडर है वो थोड़ा गिरता रहता है जिसकी वजह से जो वहाँ की जो लैंड होती है वो बिल्कुल काली पड़ जाती है। ये तो यहाँ पर तो एक अलग टॉपिक आ गया कि जो रामस जो आयरन वर्क से वहाँ की कंडीशन क्या थी वहाँ ये गाइस आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर थी हम आपको फिर से बता देते हैं ठीक है। यहाँ पर एक लार्ज प्लांट था ये याद रखना स्मेल्टर यानी कि एक मशीन यानी कि जिसमें जो लोहे को मेल्ट किया जाता है पिघलाया जाता है रोलिंग मिल होती है ठीक है और फॉर्ज होता है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और उसमें पहले क्या होता है विंटर समर टाइप में नाव में रखकर हैवी जो लोहा होता है उसको छोटे छोटे शहरों और कंट्रीज़ में उसको सप्लाई किया जाता था और विंटर टाइम में क्या होता था ट्रक पे या कोई गाड़ी पर उसको रख कर बड़ी भारी भरकम जो कोयला होता है उसको कोयले को रख कर वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था जिसके वजह से क्या होता था वहाँ पर जो लोहे जो कोयला होता था उसकी जो डस्ट होती थी वो डस्ट गिरती थी और जिसकी वजह से बिग चारकोल क्रिएट्स वहाँ पर एक चारकोल क्रिएट बन जाती थी यानी कि एक परत बन जाती थी वहाँ पर ज़मीन पर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मे बी 25 होगा तो यहाँ पर 25 का एक दिन पहले यानी कि 24 दिसंबर था क्योंकि क्रिसमस आने वाला था तो हम लोग ये मान के चलते यहाँ पर 24 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। द मास्टर स्मिथ ठीक है वहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ये तो छोटे से ऊपर ये जो बात बताई गई है यहाँ पर आपको ठीक है यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ उस फैक्ट्री की क्वालिटी बताई गई है। अब यहाँ फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग यानी कि एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा इवनिंग बहुत ज़्यादा काली थी एकदम लॉन्ग डार्क थी और बहुत रातें बहुत ज़्यादा बड़ी थी उस टाइम क्योंकि दिसंबर आप जानते हो कि दिसंबर का जो दिन होता है बहुत बड़ा होता है ठीक है। तो रात बहुत बड़ी थी जस्ट बिफोर क्रिसमस के एक दिन पहले द मास्टर स्मिथ ठीक है मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो वहाँ पर क्या है ये फोर्ज जिसमें लोहे को गलाया जाता है क्या जाता है एकदम जो कच्चा लोहा होता है उसको क्या है गलाया जाता है तो वहाँ पर वो उस पिग आयरन को बोलते हैं कच्चा लोहा ठीक है याद रखना जो पिग आयरन इसका कच्चा लोहा वो होता है उसको शायद उसको पिघलाने के लिए या उसको गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्ज एक ऐसी जगह होती है जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है कच्चे लोहे को विच हैड बीन पुट इन द फायर ठीक है जिसको फायर में रखा गया टू बी रेडी टू पुट ऑन एनवाइल और जब वो रेडी हो जाएगा तो एनवाइल में उसको रख दिया जाएगा। अच्छा एनवाइल क्या होता है एनवाइल जैसे कि मान लीजिए एक फोर्ज एक छोटा सा मान लीजिए एक छोटा सा ड्रम हो गया उस ड्रम में हम लोग जो लोहे को कच्चे लोहे को डालते हैं उसको हम लोग क्या करते मूव करते रहते हैं किससे करते रहते एक फावड़े से किसी चीज़ से लोहे की चीज़ से हम लोग उसको क्या करते रहते मूव करते रहते जिससे वो मिक्स हो जाए अच्छे से ठीक है। और एनवाइल एक शेप होता है उस जो लोहा होता है कच्चा लोहा जब वो पक जाता है उसको एनवाइल में डालते हैं ठीक। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप हर बार कोई ना कोई उनमें से उठता और उसको जो आयरन है आयरन बार है एक बहुत बड़ा बार है आयरन को मूव करता है थोड़ा बहुत देर तक लाते रहते रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स कुछ देर बाद वो वहाँ से लौटते हैं ड्रिपिंग विद द प्रेस्पिरेशन
ड्रिपिंग यानी कि पसीना, और जब वो वहाँ से लौटते तो उनके उनके बॉडी से पसीना निकलता हुआ टपकता हुआ दिखाई देता है। दो, एज वॉज द कस्टम, भले ही वो उनका कस्टम, उनका एक रिवाज है कि भाई क्या कस्टम है उनका, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। उनका ये एक सिस्टम ही है कि भाई वहाँ पर सिर्फ लंबी शर्ट पहनते हैं और वुडन शूज़ पहनते हैं। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और इस फॉर्ज यानी कि एक छोटा सा जो फॉर्ज होता है, बताया ना फॉर्ज, यहाँ पर एक छोटा सा एक खपड़ेल टाइप का एक छोटा सा हट मान लीजिए, ठीक है, उस फॉर्ज में मतलब वो आवाज़ आती रहती है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर भी एक फॉर्ज है, ठीक है, डार्क। अब फॉर्ज का मतलब भी वही हो गया, क्या हो गया, एक छोटा सा हट, एक छोटा सा घर होगा, वहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री होगी जिसमें लोहे को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद प्रेस्परेशन, तो इज एज वॉज द कस्टम, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज। अब फॉर्ज में बहुत से हर समय कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती। अब कौन सी आवाज़ें आती रहती, ये ध्यान रखना। पहले तो एक आवाज़ आती है बिग बेलोज ग्राउंड की, ठीक है, यानी कि जब हवा चलती है वहाँ से, तो ठीक है, जब हवा वहाँ से निकलती है तो एकदम हवा के एक ग्राउंड होने की आवाज़ आती है, जो एक, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा आग जल रही है और आग में से एकदम जो फ्लेम निकल रही है, एकदम फ्लेम की आवाज़ आना, तो वो एक ये हो गया। दूसरी होती है बर्निंग कॉल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला होता है जब वो चटकता है, क्रैक होता है, तो एक उसकी आवाज़ आती है, ये याद आप लोग रखना। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। उसके बाद जो फायर बॉय, अच्छा यहाँ फायर बॉय किसको किया गया, फायर बॉय इस हेल्पर को गया कहा गया, फायर बॉय जो कि मास्टर स्मिथ के साथ था, ठीक है, मास्टर स्मिथ के साथ फायर बॉय जो हेल्पर था उसको बोला गया। तो जो फायर बॉय क्या करता है, ये क्या करता है, चारकोल को एक किसी मतलब बहुत मतलब चारकोल को एक किसी चीज़ में रख देता था, ठीक है, अपने ग्रेट डील के साथ आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। अब जब उसके बाद आप दूसरे देखते हैं, दूसरी बात इसमें ये, और कौन सी आवाज़ आ रही है, आउटसाइड द रोड द वाटरफॉल, और उसके बाहर एक वाटरफॉल बना, उसके जो उसके पानी जो गिरता है, पानी सबके गिरने की भी आवाज़ वहाँ से आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइटल्ड रूफ, यानी कि उनके जो छत है वो एक, आप लोगों ने ब्रिक टाइटल्ड देखे होंगे, टाइल्ड देखे होंगे, ब्रिक टाइल्ड क्या होते हैं, ब्रिक टाइल्ड आपके खपरेल टाइप के जो छत होती है ना, उसके ऊपर बहुत तेज़ी हवा के साथ बारिश हो रही है, वो तो उसके गिरने की जो छत पे जो उसके जो हवा और बूंद, हवा के चलने और बूंद के जो हवा में जो पानी हो, ठीक है, तो उन दोनों का फोर्स बन जाता है, जिसके वजह से जो अगर वो उसकी छत पर पड़ते हैं ना या टपकते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। आप लोग ने देखोगे बारिश हो रही होगी छत पर भी, तो एकदम तेज़ अगर बारिश हो जाती है तो उसकी बारिश की आवाज़ें भी बहुत तेज़ आने लगती हैं। अब यहाँ पे कहानी शुरू हुई है, जैसे कि हमें बताया गया था ऊपर कि ये जो आपका फर्स्ट पैरा है, ठीक है, पैराग्राफ में इतना बताया गया कि भाई वहाँ पर चारकोल जो लोहा पिघल रहा था, मेल्टिंग हो रहा था, उसमें कहाँ किस किस की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। दूसरा यहाँ इसमें बताया गया था कि जो उस फैक्ट्री के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है गाइस, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज। और इसमें क्या हुआ, उन सब की आवाज़ आने के बाद, मतलब आने की वजह से आदमी जो ब्लैक स्मिथ था वो नोटिस ही नहीं कर पाया कि भाई किसी बंदे ने या किसी आदमी ने गेट खोला, वो अंदर आकर फौज के पास खड़ा हो गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो उनके फर्नेस के पास खड़ा नहीं हो गया, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर बेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द
sooty pants and come in the warm themselves in front of. तो यहाँ लिखा हुआ जैसे surely it was nothing usual, unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted. ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं फिर से कि surely it was nothing का मतलब ये हो गया, वो ये श्योर था कि जो vagabond था, और हर एक vagabond क्या होता है, बिना बिना किसी वेगाबोंड का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमने वाला, ठीक है. इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबोंड्स, यानी कि एक अनयूजल थिंग थी वेगाबोंड, जो बेचारा वेगाबोंड जो भटक रहा है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी बेटर शेल्टर के, फॉर द नाइट और टू बी अट्रैक्टेड, ठीक है, अपने नाइट को मतलब अपने जो रात को एक कहीं पर बिताने के लिए. टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट. अब वहाँ पर हुआ क्या, जब ये इसने ये सोच रहा है, ये कौन सोच रहा है, ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ नहीं, ये सोचा भाई ये बंदा आ तो गया है, लेकिन इसने ये भी कोई एक आवारा टाइप का भटकता हुआ एक बंदा है जिसको कोई शेल्टर नहीं मिला, तो उसे यहाँ पे जो फोर्ज में जो लाइट जल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि ये लाइट को देख कर ये हमारे कहाँ आ गया, हमारे फौज में आ गया है, और यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका इसको एस्केप करने का यही मिला था जो कि सूटी पेंस को अट्रैक्ट करते हुए आया था. अच्छा, सूटी पेंस क्या होते हैं, सूटी पेंस यानी कि विंडोज़ में जो शीशे लगे होते हैं उसको सूटी पेंस बोलते हैं, और सूटी पेंस यानी कि जैसे जब वहाँ पर धूल वगैरह उड़े और वो धूल शीशों में लग जाए तो जो शीशे होते हैं थोड़े धुंधले टाइप के हो जाते हैं, लेकिन जो लाइट जो वहाँ जल रही है उसका अट्रैक्शन की वजह से जो वेगाबोंड का मतलब यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर को बोला जा रहा है, ठीक है, तो रेड ट्रैप सेलर को बोला जा रहा है, इसी वजह से अट्रैक्ट होकर वो शीशे में जो लाइट चल रही थी उसको अट्रैक्ट होकर वो यहाँ तक आ गया. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और हवा जो फायर जल रही थी वहाँ पर उसके सामने आकर वहाँ खड़ा हो गया अपने आप को गर्म करने के लिए. अच्छा, दो चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ जो आपका रेड ट्रैप सेलर है उसके कई नाम बीच में आएंगे अभी, ठीक है, आपको एक वेगर्ड बॉन्ड भी मिला, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक गेस्ट भी मिला था, ठीक है, और ये दो नाम हो गए, एक तो उसका नाम रेड ट्रैप हो गया, तो रेड ट्रैप सेलर, दूसरा नाम उसका गेस्ट हो गया, तीसरा नाम उसका वेगर बॉन्ड हो गया. अब देखते हैं आगे, याद रखिएगा ये तीन नाम. द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कॉजली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. अब इंट्रूडर भी आ गया, चौथा नाम हो गया इंट्रूडर, यानी कि जो बिना किसी इजाज़त के अंदर आ जाए. तो जो ब्लैक स्मिथ था वो उसको सिर्फ और सिर्फ अलग तरीके से घूरे जा रहा था. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप्स यूजली डिड, और वो अपने लोगों को देखकर जो इसी तरह के जो लोग होते हैं, जो कौन था, ब्लैक स्मिथ अपने ही तरह के लोगों को देखकर इसी तरीके से देखते हैं विद द लॉन्ग बियर्ड, यानी कि उन्हें लगा कि जो जिस तरह से ब्लैक स्मिथ था उसी तरह से जो इंट्रूडर बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि ब्लैक नाम रेड सेलर, ठीक है, रेड जो सेलर थे वो रेड ट्रैप सेलर, तो उसकी भी शक्ल मतलब कैरेक्टर यानी कि दाढ़ी वाड़ी और जो खूबियाँ हैं, खूबियाँ तो नहीं लेकिन उनका बनावट बिल्कुल एक जैसी थी, चेहरा एक जैसा नहीं मिल रहा था लेकिन उनकी जो वेशभूषा थी बिल्कुल एक ही जैसी थी, इसलिए वो उसको देखता रहा. और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वैसे ही जैसे लॉन्ग बियर्ड हैं, डर्टी रेक्ड फटे हुए कपड़े हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और अपने गले में सीने पर लटकाए हुए कुछ रेड ट्रैप्स हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने अच्छे से, ठीक है. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी, किसने मांगी, रेड ट्रैप सेलर ने परमिशन मांगी वहाँ रुकने के लिए. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ ह्यूजली कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने बिना कुछ कहे हुए अपना सिर हिलाते हुए उसको हाँ बोल दिया. द ट्रैम्प, अब देखो यहाँ फिफ्थ नाम आ गया, ट्रैम्प यानी कि डिड नॉट से एनीथिंग. ट्रैम्प यानी कि रेड ट्रैप सेलर, याद रखना ट्रैम्प नाम हो गया, पाँचवा नाम हो गया. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, यानी कि ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा. आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो उसने कहा, वो उसने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ वहाँ इसलिए आया था इस ताकि जिससे वो अपने आप को गर्म कर सके, वो वहाँ पे आराम करके सो जाए, तो इसलिए वो वहाँ पर आया था. इन दोज डेज द रामस जो आयरन मिल वॉज ऑन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर,
ठीक है। तो उस समय में रामस जो आयरन मिल थी वो वहाँ के जो मालिक थे, आयरन मास्टर एक थे, बहुत प्रोमिनेंट थे, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिनका लक्ष्य था अच्छा लोहा मार्केट में भेजना शिप के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ द हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो वो अक्सर क्या होता था, वो अपना जब उसका एक एम्बिशन था कि उसे अच्छा लोहा बेचना है मार्केट में, अपनी एक पहचान बनानी है, तो वो दोनों शिफ्ट देखता था, रात में भी इंस्पेक्शन करता था और दिन में भी इंस्पेक्शन करता था जब जब उसे पॉसिबल होता था, ठीक है। तो इसीलिए एक रात में वो वहाँ पर आ गया, और जब वहाँ आया तो फौज में आया तो उसने मतलब वो इंस्पेक्शन के लिए आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, अचानक उसने एक चीज़ ही देखी, क्या चीज़ देखी, ही सॉ वॉज द टॉल रेग मोफिन हु हैड, अच्छा रेग मोफिन भी इसको बोला गया है रेड ट्रैप्स को, तो छह नाम हो गए, बहुत अच्छे से याद रखना, रेगमोफिन इसलिए बोला, रेगमोफिन यानी कि जो कि अपने चेहरे पर कुछ ढाके हुए था, तो इसलिए उन्होंने रेगमोफिन बोल दिया वहाँ पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग इज ही सा, जैसे ही वो आया तो उसने नेचुरली एक चीज़ देख ली, एक लंबा सा रेगमोफिन हु हैड इज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस भट्टी होती है, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेग्स, यानी कि उसने देखा कि जो एक रेगमोफिन बंदा है जो कि भट्टी के पास पड़ा हुआ है और उसके जो गीले फटे कपड़े उससे एक भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, और उसने आयरन मास्टर था, उसने ब्लैक स्मिथ से बात ही नहीं की, उसका एग्जाम्पल ही नहीं लिया, हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने बिल्कुल बहुत गौर से उसको देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट, यानी कि स्लॉच हैट यानी कि जो कि स्टेप जो रेड ट्रैप सेलर अपने मुंह के ऊपर एक स्लॉच हैट रखे हुए थे जो कि थोड़ा सा झुका हुआ टाइप का होता है, बड़ा सा हैट होता है, उसको रखे हुए थे, उसको हटाया, ठीक है, बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे वो उनका फेस अच्छे से देख सके, बट ऑफकोर्स इट इज़ यू, अचानक वो बोलते अरे ये तुम हो, नील्स ओलाफ ही सेड, किसने कहा, आयरन मास्टर ने बोला, हाउ डू यू लुक, तुम किस तरह से लगते हो। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होगे, सर ये क्या हो गया, अब हम आपको कहानी थोड़ी सी बता देते हैं बेटा, यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है वो वही है रेड ट्रैप सेलर, लेकिन ये जो आयरन मास्टर थे ये कन्फ्यूज़ हो गए थे कि इन्हें इनकी शक्ल किसी से मिलती जुलती नज़र आ गई होगी, तो शायद इन्होंने ये सोच लिया कि ये तो कौन है, नील्स ओलाफ है, हालांकि वो वैसे थे ही नहीं, ठीक है। सो गाइज आज का चैप्टर ये बस इतना होता है, जो कि सेकंड चैप्टर हो चुका है और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और इसके थर्ड पार्ट हम कल एक्सप्लेन करेंगे, और इसके फर्स्ट पार्ट हम इसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, और प्लीज़ हमारे वीडियो को फॉलो करते, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें, एंड इसी तरह हमें आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे, जो भी हमारे जो बड़े लोग हैं, दोज हु आर जस्ट वॉचिंग एंड जस्ट रियलाइजिंग दैट आई एम जस्ट डूइंग गुड, प्लीज़ लीव कमेंट ऑल्सो, थैंक यू सो मच।